हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशांत एजुकेशन। दोस्तों मैं ये वीडियो लाया हूँ आपको एक शानदार वैकेंसी के बारे में बताने के लिए, जो कि आई है भारतीय डाक की तरफ से। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और इसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडियन पोस्ट की तरफ से ये वैकेंसी आई है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 40,889, ठीक है, 40,889 टोटल वैकेंसीज होने वाली हैं। ये जो वैकेंसीज हैं इसमें ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, जिसमें से पहली है ग्रामीण डाक सेवक, GDS बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, और दूसरी है ब्रांच पोस्ट मास्टर, BPM बोलते हैं जिसे, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM जिसको हम बोलते हैं। तो ये इन तीनों में डिवाइडेड है टोटल 40,000 वैकेंसीज, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 साल रहने चाहिए। आपको जो है एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है इसमें। तो एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो SC ST वालों को 5 साल का है और OBC वालों को 3 साल का है और EWS वालों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है और PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी वालों को 10 साल का है और PWD प्लस OBC वालों को 13 साल का और PWD प्लस SC ST वालों को 15 साल का। इस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है कैंडिडेट ने 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट, और 10th पास में उसके जो सब्जेक्ट हैं उसके सब्जेक्ट में मैथ और इंग्लिश तो होना ही चाहिए, ये जो है ये कंपलसरी है, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें तो कैंडिडेट ने जो है लोकल लैंग्वेज का उसे जो है नॉलेज होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज उसने स्टडी की हो उसके एजुकेशन में। और अगला जो है वो है कि नॉलेज होना चाहिए उसे कंप्यूटर का और साइकिलिंग का, ठीक है। तो ये जो हो गया ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा कैंडिडेट का, वो सबसे पहले कैंडिडेट जो है अपॉइंट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, उसने जो मार्क्स मिले हैं उनके बेसिस पे जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा। अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात की जाए तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट होगी, जो कि एक सिस्टम जनरेट करेगा मेरिट लिस्ट को, और कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा उनकी GDS ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट पर उनका जो है शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट को वो वहाँ पर डाल देंगे। और शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे एप्लीकेंट्स होंगे उनका होगा कि उनको इन्फॉर्म किया जाएगा मैसेज के थ्रू या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू, उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा। आगे बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो कैंडिडेट के लिए 12,000 से 29,380 के बीच में इनकी सैलरी होगी BPM वालों की, ठीक है, और 10,000 से 24,470 के बीच सैलरी होगी ABPM वालों की। तो और साथ में DNS अलोवेंस भी आपको मिलेगा, इस तरह से जो है आपको सैलरी मिलेगी। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो हमेशा की तरह एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपकी 100 रुपये होने वाली है, और ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये जनरल वालों की होगी और OBC वालों की होगी। बाकी ST ST वालों और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और PWD वाले और ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट्स, इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं होगी, 0 कोई भी पे करना नहीं होगा इन्हें, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो वैकेंसी है ये रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हुआ है 27 तारीख से, 27 जनवरी से, और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 16 फरवरी, ठीक है। और एडिट करेक्शन विंडो भी ओपन होगी जो कि 2 दिन के लिए होगी, 17 फरवरी से 19 फरवरी तक, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in/vas/pages/indiapost, ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। फिर वहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद में ऑनलाइन GDS रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल मिल जाएगी, फिर आपको अप्लाई कर देना है, फिर आप फीस पे करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोडेड करेंगे और आपका जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सारी डिटेल थी इस वैकेंसी रिलेटेड मैंने आपको बता दिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वैकेंसी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।